Good morning everyone. It is the video for your chapter 16 of physics, that is light. So today we will be learning about rectilinear propagation of light, reflection of light, real images, virtual images, spherical mirrors, then different types of spherical mirror lenses, then spectrum. So this is all we will be learning in this video. So the first topic that we will be covering today is rectilinear propagation of light. So rectilinear propagation of light, इससे पहले पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि light क्या होता है, what is actually a light. तो light क्या है, एक form of energy है, ठीक है, it is a form of energy जिसके चलते हम देख पाते हैं, okay? Because अगर light नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरता है और गिरने के बाद डायरेक्टली हमारे आईज में उसका इमेज फॉर्म होता है. तो अगर लाइट ही नहीं रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट पर फॉल ही नहीं करेगा तो हमारे आईज के अंदर कोई इमेज ही नहीं फॉर्म करेगा. तो सिंपल लाइट ऐसा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके चलते हम लोग देख पाते हैं. नाउ अब आते हैं एक्चुअली व्हाट इज़ द टॉपिक. When you go to cinema hall, ठीक है, तो वहाँ पर देखते होगे कि प्रोजेक्टर से एक बीम ऑफ लाइट आता है, या फिर कभी आप जब कंप्यूटर रूम में जाते हो, ठीक है, कंप्यूटर रूम में गए तो प्रोजेक्टर पे जब देखते होगे, प्रोजेक्टर से एक स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करके जो प्रोजेक्टर का स्क्रीन है उस पर जाकर, मान लीजिए सपोज़ यहाँ पर प्रोजेक्टर है, यहाँ पर से लाइट निकलता है, ठीक है, और लाइट निकलने के बाद जितना दूर तक उसका डिस्टेंस है वहाँ पर वो इमेज फॉर्म करता है. और जो प्रोजेक्टर से लाइट निकलता है ना, वो एक्चुअली उल्टा होता है, वो यहाँ से उल्टा होता है बट यहाँ आकर सीधा इमेज फॉर्म करता है. तो जो लाइट होगा ना, ध्यान से कभी उसको देखिएगा तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन पास कर रहा होगा, वो ये नहीं कि प्रोजेक्टर है यहाँ से ऐसे ऐसा लाइन पास कर रहा होगा, ठीक है, नहीं, वो एग्जैक्टली एकदम स्ट्रेट ऐसे लाइन पास कर रहा होगा, जिससे ये पता चलता है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, मूव करता है, ठीक है. उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, उसका पाथ कभी भी कर्व या zigzag नहीं होता है. एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, घर में खुद ये देख सकते हैं, आपके घर में टॉर्च होगा, जब टॉर्च को भी ऑन कीजिएगा ना तो देखिएगा उसमें से एकदम स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है, जिससे ये पता चलता है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. अगर एक और एक्सपेरिमेंट करना है तो आप घर में एक्टिविटी भी कर सकते हैं. एक्टिविटी क्या कीजिए, एक यहाँ पर स्क्रीन रखिए, ठीक है, स्क्रीन रखने के बाद ऑटोमेटिक क्या कीजिए, यहाँ से टॉर्च को ग्लो कीजिए और टॉर्च के अंदर एक ट्यूब रख दीजिए, ठीक है, ट्यूब ऐसे स्ट्रेट ट्यूब, और एक टॉर्च यहाँ रखिए जिसके अंदर एक ट्यूब जो है वो ऐसा रहे. यहाँ से जब टॉर्च को ऑन कीजिएगा ना, दिखेगा इसमें, यहाँ पर टॉर्च का इमेज दिखेगा, मतलब जो लाइट है वो दिखेगा लेकिन इसमें नहीं दिखेगा. क्यों, अगर मान लीजिए लाइट मूव कर रहा है तो यहाँ से उसको तो टकरा कर नीचे आकर यहाँ दिखना चाहिए, बट नहीं दिखता है. क्यों, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है. एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 3 कार्डबोर्ड लीजिए या 2 ही कार्डबोर्ड लीजिए, दोनों कार्डबोर्ड को पहले एक ही जगह होल्ड कीजिए और यहाँ पर से टॉर्च को ग्लो कीजिए, देखिएगा जो लाइट होगा ना वो यहाँ से जाएगा, स्ट्रेट लाइन से जाएगा और यहाँ स्क्रीन पर फॉर्म कर जाएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर फॉर्म करेगा. लेकिन अगर मान लीजिए स्क्रीन है, एक में होल यहाँ है और दूसरे में होल यहाँ ले लिए, ये स्क्रीन है, तो देखेंगे लाइट यहाँ से तो जा रहा है लेकिन यहाँ आके यहाँ पर फॉर्म कर जा रहा है, ठीक है, उसका जो लाइट है वो यहाँ पर आकर फॉल कर रहा है, ये नहीं कि यहाँ से आकर नीचे जाकर यहाँ फॉर्म कर रहा है. तो इससे ये पता चला इन सारे एक्सपेरिमेंट से कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और ये जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना, इसी को हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन
ऑफ लाइट। तो ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा लाइट, तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब एक और टर्म आता है, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तो हम लोग पढ़े थे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, कभी भी आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं, सपोज ये मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पर से अगर टॉर्च को, सपोज यहाँ से आप टॉर्च को ऑन किए, तो देखिएगा वो यहाँ जाने के बाद एक इधर कहीं उस टॉर्च का रे जो होगा ना वो फॉर्म करेगा, आपके ही तरफ वो फॉर्म करेगा, ठीक है। पहले तो वो स्ट्रेट जा रहा है, चलिए रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हुआ, लेकिन ये टकराने के बाद भी स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ से लाइट आया, इस मिरर में टकराया और वो मूव कर गया, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज बाउंस्ड ऑफ फ्रॉम सरफेस, तो कुछ पार्ट जो होता है ना वो यहाँ से बाउंस कर जाता है, और वही जो बाउंस कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये बाउंस कर फिर कहाँ जाता है, हमारे आईज में फॉल करता है, कोई भी सरफेस हो, अगर मान लीजिए ऐसे एक प्लेन सरफेस है, मेनली वो पॉलिश सरफेस होना चाहिए, पॉलिश सरफेस है, टकराने के बाद वो हमारे आईज में जाता है, मान लीजिए इधर टकराया आईज में गया, और तब जाके उसका इमेज फॉर्म होता है और हम लोग देख पाते हैं। तो मोस्टली ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस बाउंस ऑफ अ पार्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम, ठीक, अगर वो नहीं रिफ्लेक्ट करेगा तो हम लोग को दिखेगा ही नहीं। इस चलते रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, दैट इज द बाउंसिंग ऑफ लाइट, द बाउंसिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश सरफेस सरफेस, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, द बाउंसिंग, यहाँ पर बैक लिख सकते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब यहाँ पर ये पॉलिश सरफेस क्यों लिया गया है, सपोज दो सरफेस है, एक स्मूथ या पॉलिश सरफेस है और एक रफ सरफेस है, तो जब स्मूथ सरफेस पे लाइट फॉल करेगा तो वो फॉल करने के बाद वैसे ही निकलेगा, लेकिन जब वो रफ सरफेस पे फॉल किया तो वो यहाँ टकराने के बाद इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो इस चलते यहाँ पर पॉलिश सरफेस लिया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट विथ ए स्मूथ और शाइनी सरफेस सच एज, कौन कौन हो सकता है पॉलिश सरफेस में, थोड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिरर्स हो सकता है, मेटल सरफेस हो सकता है, ठीक है, ये सब जो है ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है देन डल सरफेस, फॉर एग्जांपल बुक हो गया, वॉल हो गया, ये सब जो है वो थोड़ा कम रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन मिरर, मेटल सरफेस ये सब ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, पॉलिश सरफेस ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन रफ सरफेस थोड़ा कम रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। व्हेन यू यूज़ अ मिरर टू सन टू शाइन सनलाइट, अब इसका एक और कभी एक्टिविटी देख सकते हैं, आपको भी एक ये हो के कि जब सन का लाइट आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज़ यहाँ पर सन है, सन का लाइट फॉल कर रहा है, ठीक है, हम लोग एक मिरर लेके खड़े हो जाते हैं और उसको हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं, तो इससे हो क्या रहा है, सन का लाइट तो फॉल कर रहा है और साथ में वो बाउंस बैक कर जा रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी यूज़ अ मिरर
टू शाइन सनलाइट ऑन द वॉल। अब मान लीजिए आगे में एक वॉल है, तो यहाँ पर आकर इसका सनलाइट शाइन करने लगेगा। तो जब ये मिरर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को एक प्रॉपर्टी दिख रहा है कि प्लेन मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, ठीक है, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर है वो मोस्टली जितना भी लाइट उसके ऊपर फॉल कर रहा है वो सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। बाय टर्निंग द मिरर यू कैन रिफ्लेक्ट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। मिरर को इधर उधर कर कर हम इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।